अब जाके इसने रफ्तार ज़्यादा पकड़ लिया, देखो कंटिन्यू स्नोफॉल, कंटिन्यू स्नोफॉल हो रहा है। अब यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे फंस भी सकते हैं अगर ज़्यादा देर यहाँ पे बर्फ़ में बैठे तो। फाइनली दोस्तों स्नोफॉल भी सोलांग वैली में हो ही गया है, आपको देख रहे होंगे। दोस्तों पानी की बात करूँ तो ये पानी उतना ठंडा नहीं है, नॉर्मल है। अदर जगह होटल हो चाहे कोई भी गाँव में हो, पानी जो है ठंडा ही आएगा, ये नेचुरल वाटर है। एक साइड मौसम साफ हो गया है एंड एक साइड सोलांग वैली में आप देख ही सकते हैं बर्फ तो हो ही रही है, बट ट्रैफिक लग रहा है ज़्यादा, तो अभी टाइम से निकल के ही फायदा है हुआ है। तो अभी सोलांग वैली में काफ़ी दिन ओपन रहेगा टूरिस्ट के लिए, ऑटो टनल तो बंद ही है, मैंने आपको बता ही दिया था। बर्फ़ सब जगह ऑलमोस्ट बराबर ही है, तो लोगों को जहाँ पे लगता है वहीं पे वो अपना एंजॉय कर लेते हैं सोलांग वैली में, क्योंकि प्रॉपर सोलांग वैली तक कोई पहुँच नहीं रहा, कोई पहुँच रहा है कोई नहीं रहा, तो हम लोग तो पहुँच गए थे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप दोस्तों? आज 19 तारीख है एंड आज आ रहा हूँ मैं मनाली से सोलांग वैली के लिए, एंड अभी मैं हूँ भांग में, यहीं पर स्नोफॉल हो रहा है थोड़ा बहुत, सोलांग वैली में भी हो रहा होगा। काफ़ी दिनों के बाद आज ब्लॉग बना रहा था, तो 3 दिन ब्लॉग नहीं बना पाया, एंड स्नो का जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी मैं आज आपको बता देता हूँ कि ऊपर कहाँ तक कितनी बर्फ़ है। एक्चुअली अटल टनल तो बंद है दोस्तों, क्योंकि सोलांग वैली में स्नोफॉल हो रहा है तो अटल टनल को क्लोज़ कर दिया गया है। सोलांग वैली तक जाएंगे एंड वहाँ पे भी अवेलेबिलिटी देखते हैं, क्योंकि अगर स्नोफॉल वहाँ पर हो रहा होगा तो गाड़ियाँ शायद नीचे भी लग सकती है, तो ऊपर जाके देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं आज। ये जो स्नोफॉल है दोस्तों लास्ट पिछले कल ही हुआ है, ये देखो नज़दीक पहुँच गया है यहाँ पर। यहाँ से आगे है नेहरूकुंड एंड वहाँ से ऊपर है सोलांग वैली, तो अभी जाएंगे वहाँ पे देखते हैं। अभी सब लोग आ गए हैं तो अभी चलते हैं ऊपर। सब लोग आ गए भाई, चले फिर चले, चलो भाई चलो चलो। दोस्तों ये जगह है नेहरूकुंड, गाड़ी मैंने यहाँ पे लगा दी है एंड यहाँ पे भरते हैं पानी। 3-4 बोतलें मैंने ला दी थी, क्योंकि भाई लोग सब बोल रहे थे पानी हमने लिया नहीं, तो मैंने बोल दिया उनको कि कोई बात नहीं पानी हमारे पास है, तो इनको भरेंगे फिर चलेंगे आगे। दोस्तों पानी की बात करूँ तो ये पानी उतना ठंडा नहीं है, नॉर्मल है। अदर जगह होटल हो चाहे कोई भी गाँव में हो, पानी जो है ठंडा ही आएगा, ये नेचुरल वाटर है, तो इस करके ये पहाड़ों के बीचों बीच आता है, तो उस करके ये थोड़ा सा गर्म रह जाता है, ज़्यादा चिल्ड नहीं है। एंड गर्मियों में तो ये पूरा चिल्ड हो जाता है, सर्दियों में थोड़ा नॉर्मल है। दोस्तों ये जो टाइम है ये फुल्ली स्नोफॉल का टाइम है, तो इस टाइम कभी भी मौसम चेंज हो जाता है, कभी भी मौसम साफ हो जाता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अभी ऊपर जाके देखते हैं स्नोफॉल हो जाएगा, वैसे मेरे हिसाब से जिस हिसाब से मूड बना हुआ है इसका, ऊपर पूरा क्लाउडी क्लाउडी हो गया है। दोस्तों अभी पहुंच गए हैं पलचान में एंड यहीं से जाम लग गया है, यहाँ से लेकर सोलांग वैली तक, यहाँ से ऊपर तक है 3 किलोमीटर डिस्टेंस, तो गाड़ियों को पता नहीं अब कहाँ तक जा रही है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे देखते हैं। ट्रैफिक आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये रास्ता जाता है नीचे नेहरूकुंड के लिए एंड ये रास्ता जाता है बुरुआ होके, ये भी नेहरूकुंड ही जाता है, यहाँ से भी गाड़ियाँ ही है नीचे से भी, तो फिलहाल रास्ता पूरा पैक है दोस्तों। ये देख लो यहाँ से लेकर पूरा पीछे से घूम के पूरा ऊपर तक सोलांग वैली है, वहाँ पे जहाँ पे फॉग है एंड वहाँ पे हो रहा है स्नोफॉल। अभी जाएंगे हम लोग ऊपर, तो ऊपर जाके देखते हैं कहाँ तक गाड़ी की अवेलेबिलिटी रहेगी। स्नोफॉल तो हो ही रहा है, शायद थोड़ी देर में ज़्यादा भी हो जाए, तो जैसा भी होगा आपको दिखा देंगे। फिलहाल लाइनें धीरे धीरे खिसक रही है, तो मैं भी गाड़ी को आगे बढ़ा देता हूँ। दोस्तों ये जगह है पलचान में, यहाँ से ये रास्ता जाता है रोहतांग पास के लिए, जो कि वहाँ पे है जो बंद है अभी, बट फिलहाल लोगों के पास ये जो ट्रैफिक आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर सोलांग वैली तक, एक्चुअली ऊपर जो प्रॉपर पार्किंग होती थी गाड़ियों के लिए वो वहाँ पे अभी स्नो ही स्नो है, तो गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क हो नहीं रही, यहाँ से पब्लिक जा रही है ऊपर तो उनको छोड़ के फिर रिटर्न आ रही है खाली, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर पार्किंग है दोस्तों। तो अभी हम लोग भी परेशान हैं कि पार्किंग कहाँ लगाएँ, जाम तो आपको मैंने दिखाई दिया काफ़ी लंबा जाम है यहाँ से, एंड वो दिख रहा है आपको स्वर्णिम वाटिका, ये है कोठी में जाके, ये भी टूरिज्म वालों ने नई तैयार किया है, यहाँ पे भी मैं आपको कभी कभी दूसरे दिन लेके चलूँगा। फिलहाल जाम में ही फंसे पड़े हैं, क्या करें, खिसक रही है गाड़ियाँ थोड़ी थोड़ी। दोस्तों उनको मैंने वहाँ पे छोड़ दिया है सोलांग वैली में, एंड गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं थी, तो
तो मैंने गाड़ी नीचे लगा दी है एंड वहाँ से हम लोग फिलहाल ट्रैफिक तो एज यूजुअल मैंने आपको बताया सोलांग वैली में ये सुबह से लेकर शाम तक ऐसा ही चलता रहता है, बट फिलहाल हम लोग लंच करने वाले हैं बर्फ़ में। खाना हमारा आ गया है स्पाइसी चटनी दाल चावल राजमा चावल। ट्रैफिक कभी भी दोस्तों लगा ही है एंड वहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा नीचे ही तक। अगर स्नोफॉल ज़्यादा होता है दोस्तों तो हमारे को यहाँ से गाड़ी निकालनी पड़ेगी क्योंकि वापसी में ये रास्ता पूरा जाम हो जाता है। तो देखेंगे, डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी, अगर स्नोफॉल ज़्यादा होता है तो, बट फिलहाल इधर ही काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है दोस्तों, यहाँ से ऊपर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग तो इधर ही इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे भी गार्डन है। फाइनली दोस्तों स्नोफॉल भी सोलांग वैली में हो ही गया है, आपको देख रहे होंगे पब्लिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती हुई। अब जाके इसने रफ्तार ज़्यादा पकड़ लिया दोस्तों, कंटिन्यू स्नोफॉल हो रहा है। अब यहाँ से निकलना पड़ेगा नहीं तो यहाँ पे फंस भी सकते हैं, अगर ज़्यादा देर यहाँ पे बर्फ़ में बैठे तो गाड़ियाँ इसके बाद जाम हो जाएगी। फिलहाल मैं जाऊँगा थोड़ा सा ऊपर, भाई लोगों को पिकअप करूँगा वहीं से। एक साइड मौसम साफ़ हो गया है एंड एक साइड सोलांग वैली में आप देख ही सकते हैं बर्फ़ तो हो ही रही है, बट ट्रैफिक लग रहा है ज़्यादा, तो अभी टाइम से निकल के ही फ़ायदा है। अगर स्नो ज़्यादा हो गई तो यहाँ पे फंस भी सकते हैं। दोस्तों सोलांग वैली में इस बार का जो स्नोफॉल हुआ है वो अच्छा खासा हुआ है, काफ़ी स्नोफॉल हुआ है। तो अभी सोलांग वैली में काफ़ी दिन ओपन रहेगा टूरिस्ट के लिए, अटल टनल तो बंद ही है, मैंने आपको बता ही दिया था, क्योंकि आगे को भी मौसम कंटिन्यू जो है एक हफ्ते के लिए ख़राब बताया है, तो आगे भी स्नोफॉल हो सकता है कंटिन्यू। देखते हैं आगे का कैसा होता है। यहाँ पे हो रही है सारी स्नो एक्टिविटी एंड आगे भी हो रही है। बर्फ़ सब जगह ऑलमोस्ट बराबर ही है, तो लोगों को जहाँ पे लगता है वहीं पे वो अपना एंजॉय कर लेते हैं सोलांग वैली में, क्योंकि प्रॉपर सोलांग वैली तक कोई पहुँच नहीं रहा, कोई पहुँच रहा है कोई नहीं रहा, तो हम लोग तो पहुँच गए थे ऑलमोस्ट। भाई लोगों को मैंने भेज दिया था ऊपर पार्किंग में, यहाँ सामने ही है सोलांग वैली की पार्किंग एंड उससे ऊपर मैंने उनको भेज दिया था अंजनी महादेव में, जहाँ पे उनको पूरे दिन भर स्नोफॉल ही मिल गया। यहाँ पे कम हुआ सोलांग वैली में, पर अंजनी महादेव थोड़ी हाइट में है तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ स्नोफॉल। फिलहाल उनको मैंने बोल दिया है आगे आ जाओ, वो लोग शॉर्टकट आ गए हैं एंड उनको छोड़ेंगे अब वापस होटल। फिलहाल दोस्तों सारे भाई लोग आ गए हैं यहाँ पे, इकट्ठा हो गए थे तो उन लोगों को मैंने गाड़ी में बिठा दिया था एंड हम लोग रुक रहे हैं वापस मनाली के लिए। एंड मनाली का ट्रैफिक तो रुकने का नाम नहीं लेता, तो जो एज यूजल जो नॉर्मल रहता है वैसा ही है। तो शाम हो गई है, अभी निकल रहे हैं हम लोग होटल के लिए वापस। एंड दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग, एंड आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे भी आपको अपडेट मिलता रहे मेरे चैनल पे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग पे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।